स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं पांच बड़ी खबरों पर। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास ने भारी तबाही मचाई है। यास के तांडव से सैकड़ों तटीय गांव में पानी भर गया और लाखों घर उजड़ गए हैं। इससे पश्चिम बंगाल में तीन और उड़ीसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिर्फ बंगाल में ही यास से 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए। लगातार बारिश से उड़ीसा बंगाल के कई जिले जलमग्न है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और सैकड़ों तटबंध टूट गए हैं। राहत एवं बचाव दल लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हैं। चक्रवात यास पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बाद झारखंड पहुंच गया है। पश्चिम सिंहभूम के जिला कलेक्टर ने बताया कि चक्रवात के तांडव को देखते हुए 201 राहत शिविर बनाए गए हैं। 596 लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। निकासी जारी है। कुमारडुंगी में एनडीआरएफ की एक टीम लगाई गई है। चक्रवात यास कुमारडुंगी मंझरी चक्र धौलपुर और जायवासा से गुजरेगा। सभी प्रखंड रेड अलर्ट पर है। पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी क्यूबा भागते वक्त रास्ते में ही डोमिनिका में पकड़ा गया। मेहुल चौकसी 23 मई की शाम को एंटीगुआ स्थित अपने घर से गायब हो गया था। उसके बाद उसे लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। हालांकि उसके पहचान के एक शख्स ने दावा किया था कि वो क्यूबा भाग गया है। मेहुल चौकसी के पास एंटीगुआ की नागरिकता है और उसे डोमिनिका ने पकड़ा है। फिर भी उसके करतूतों से एंटीगुआ सरकार इतनी परेशान है कि उसने डोमिनिका की सरकार से मेहुल चौकसी को भारत को सौंपने का अनुरोध किया है। अगर ऐसा होता है कि नीरव मोदी से पहले मेहुल चौकसी भारत आ सकता है। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में फिर से महाभारत शुरू हो गई है जो थमने का नाम नहीं ले। इस मुद्दे पर एनसीपी और कांग्रेस के बीच चल रही जंग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए अब सिरदर्द बन सकता है। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार छोड़ने की धमकी भी दे दी है, लेकिन भाजपा को रोकने के लिए बाहर से समर्थन देने की बात कही है। अब इस मामले को लेकर आज होने वाली प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सीएम उद्धव क्या फैसला लेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। आज होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में कांग्रेस के मंत्री प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को उठाने वाले हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट की पिछली बैठक में भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के मंत्री नितिन राउत, वर्षा गायकवाड़ और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ गर्मा गर्म बहस हो चुकी थी। अमेरिका की दिग्गज दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसका कोविड वैक्सीन भारत में कोरोना वायरस के वेरिएंट के खिलाफ उच्च प्रभावशीलता दिखाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में संक्रमण और मौतों की विनाशकारी दूसरी लहर के पीछे यही वेरिएंट है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि फाइजर ने केंद्र सरकार को यह भी बताया है कि इसका टीका 12 साल से अधिक उम्र के सभी के लिए उपयुक्त तो साबित हुआ है और अहम बात यह है कि इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा के बीच कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में 1 महीने तक सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर लोगों के निशाने पर हैं। बाबा रामदेव का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि अरेस्ट तो उनका बाप भी नहीं कर सकता। बाबा के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने रामदेव और सरकार को घेरा है। मोइत्रा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वामी रामदेव को गिरफ्तार तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता, भाई और बाप तो विपक्ष को गिरफ्तार करने में व्यस्त है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने बाबा रामदेव के बयान पर सरकार को घेरा। मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि बाबा रामदेव को किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है क्योंकि भाई और बाप तो विपक्ष को गिरफ्तार करने में व्यस्त है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में सरकार का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके ट्वीट को हाल ही में नारदा केस में हुई टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये थे आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए। चलिए। We'll be right back.